हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एनजी स्कॉलर्स। मैं नीति जैन आज फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता है, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि NIOS ने अपने एग्ज़ाम्स को प्रमोट नहीं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने पहला नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके एग्ज़ाम 1 जुलाई से जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे 10 जुलाई के बीच में, इट मीन्स प्रैक्टिकल, इट हैज़ बिन पोस्टपोन, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। NIOS अभी तक बच्चों को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं और जो भी पिटीशन है, प्लीज़ उस पर साइन करो, इस पर इसको आगे से आगे पहुँचाओ, क्योंकि हम मिलकर ही डिसीज़न चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अकेले कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते और हम अकेले कोई भी डिसीज़न चेंज नहीं करवा सकते। इसके लिए एक बहुत बड़ी यूनियन की ज़रूरत है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्रमोट होना चाहते हो, अगर आप लोग अपनी बात को आगे तक पहुँचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाओ और सब लोगों को बताओ कि किस तरीके से NIOS के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं। जैसे CBSE के स्टूडेंट्स चाहते थे कि उन्हें प्रमोट किया जाए, तो NIOS के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही चाहते हैं। अभी मेरे किसी AI सेंटर्स से, काफ़ी सारे सेंटर्स से मेरी बात हो रही थी, दे सेड कि NIOS के स्टूडेंट्स को किस बिहाफ पे प्रमोट किया जाए, उनका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड भी सही नहीं है, तो उन्हें किस बिहाफ पे प्रमोट किया जाए। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि इस टाइम पर ये सब ना देख कर कि बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है या फिर वो कैसे स्टडीज़ कर रहा है या फिर पढ़ने वाला है या नहीं है, ये ना देख कर ये देखा जाए तो जान है तो जहान है। इस टाइम पर एक तरीके से हमारी कंट्री पे फेटल डिजीज आ गई है, जो हमें, जिसकी वजह से हमें बच्चों को सेव करना है। बार बार मैं अपनी वीडियोस में यही कह रही हूँ कि पेरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट वांट टू गिव द एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स देना नहीं चाहते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे एग्ज़ाम देने भेजें। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे एग्ज़ाम देने की कंडीशन में इस टाइम नहीं है। चलो ठीक है, जब हम मानते हैं कि जब तक सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन जब तक सिचुएशन ठीक होगी तब तक तो बच्चे का साल ख़राब हो चुका होगा। CBSE वाले बच्चे हैं, ICSE वाले बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो सब तो अपना एग्ज़ाम्स ले चुके होंगे, वो सब तो अपना स्कूल्स में एडमिशन्स ले चुके होंगे या फिर वो कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके होंगे। रही बात NIOS वाले स्टूडेंट्स की, उनका तो साल ख़राब हो गया ना, तो वो कैसे अपना साल को ठीक कर सकते हैं, उनका कैसे साल वापस आएगा, तो उन्हें भी प्रमोट किया जाए। उनके एग्ज़ाम्स क्यों पोस्टपोन पे किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि CBSE वालों ने प्रमोट कर दिया गया है और कहा है कि जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। NIOS के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? NIOS के साथ भी होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि NIOS के साथ भी हो? अभी जैसे हम देख सकते हैं, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर फिर यही कहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, फिर पोस्टपोन्ड की बात की गई है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि आप इस बात को आगे से आगे पहुँचाओ, हमारे पिटीशन साइन करो जिससे कि ये बात आगे पहुँचे और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। क्योंकि अब तो अगर हम पोस्टपोन्ड पे डिपेंडेंट रहे, तो मुझे लगता है कि अभी तो ये कोरोना हम देख रहे हैं कितना फैल रहा है, हर जगह इतने केसेस आ रहे हैं, दिल्ली इज़ ऑन 2nd नंबर, महाराष्ट्र इज़ ऑन 1st नंबर, तो हम देख ही रहे हैं कितने 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार केसेस डेली आ रहे हैं। तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे और कैसे बच्चे पेपर देने जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी 1% भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये सिचुएशन अभी ठीक होगी, ये सिचुएशन अभी ठीक होने वालों में से सिचुएशंस में से नहीं है। इसमें कम से कम 2-3 मंथ्स लग जाएंगे। तो क्या बच्चों के एग्ज़ाम सितंबर में होंगे? तो क्या बच्चों के एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे? इसका मतलब तो यही है कि वो वन मंथ करके बच्चों को अक्टूबर तक पहुँचाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, हम लोग आपके लिए फ़ाइट करेंगे और आप लोगों को भी हमारा साथ देना है, क्योंकि हम तो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें आपके साथ का ज़रूरत है। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को आगे से आगे पहुँचाओ, शेयर करो, जिससे हमारी बात भी आगे पहुँचे। एंड स्टूडेंट्स, आप अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इतनी ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसी कंडीशन में पढ़ाई नहीं होती, जब लगता है कि सारे बोर्ड्स को तो पास किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं पास किया जा रहा, ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी फिर बाद में आप ही को लगेगा कि हम उस टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमारी आएंगी, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को देखो और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखते रहो, जो भी सिचुएशन होगी अच्छी रहेगी और कभी भी पढ़ा हुआ ख़राब नहीं जाता है। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोग हमारी वीडियोज़ को इतना लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड थैंक यू, थैंक्स टू वॉच अवर
वीडियो। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके, और हमने जो अभी अभी सर्कुलर आया है वो मैंने सर्कुलर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सर्कुलर डाल दिया है, आप वो सर्कुलर देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो, थैंक यू।